हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ब्लैक क्लोवर का चैप्टर 338 आ गया है और ये चैप्टर भी पिछले कुछ चैप्टर्स की तरह काफ़ी अच्छा था, लेकिन उनसे बेटर नहीं था। मतलब इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा रिवील्स नहीं थे या कुछ इतना ज़्यादा नहीं था जिसे हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, सिवाय एक चीज़ के जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, और वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है यामी से रिलेटेड। इस चैप्टर में रिवील हुआ है कि इचिका नाम की एक यामी की बहन है, और वो इचिका और कोई नहीं है बल्कि ये वाली कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर जिसे मैंने पिछले चैप्टर के रिव्यू में कहा था कि ये शायद से ड्वार्फ से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि इसका लुक कुछ ना कुछ चार्मी जैसा लग रहा था, अडल्ट चार्मी के फॉर्म जैसा। लेकिन यहाँ पर तबाता ने पूरी तरीके से हमें रॉन्ग प्रूफ किया है और ये बताया है कि ये यामी की छोटी बहन इचिका है। तो चैप्टर में क्या क्या हुआ पूरा डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक लाइक जरूर कर देना। एम करते हैं 300 लाइक्स के लिए, तो इसे कम्प्लीट जरूर कर देना और हो सके तो वीडियो शेयर कर देना। चैनल पर कोई भी न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और इसी के साथ अब हम किसी पर शक ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि पिछला चैप्टर एंड हुआ था। इचिका पर्दा हटाती है और वहाँ से आस्था को लैंड ऑफ द सन देखने को मिलता है, और आस्था सोच रहा होता है कि ये है कैप्टन यामी का होमलैंड, लैंड ऑफ द सन। आस्था दूसरी ओर ये भी सोचता है कि मैं एक फॉरेन कंट्री में हूँ, अब मैं वापस क्लोवर किंगडम कैसे जाऊँगा। तभी रिव्या कहता है कि इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अभी वो लुसियस बंदा है, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं करने वाला। तो इस पर आस्था कहता है कि रिव्या तुम जो बता रहे हो कि तुम यहाँ के शोगन हो, तो इसका मतलब क्या होता है, शोगन यहाँ पर क्या है। तो इस पर आस्था को रिव्या समझाता है कि शोगन एक तरीके से क्लोवर किंगडम के विजार्ड किंग की तरह होता है, जहाँ क्लोवर किंगडम में सबसे बड़ा पद, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जो होता है वो है एक विजार्ड किंग। वहीं इस जगह पर लैंड ऑफ द सन में सबसे बड़ा जो होता है पद या सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जो है वो है शोगन, जो कि पूरी कंट्री को यहाँ पर देखता है। और रिव्या आस्था को ये भी कहता है कि मुझे तुम रिव्यू कहो, रिव्या कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर इचिका जो है वो काफ़ी इरिटेट होती है। आस्था आगे रिव्या से कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मैं तुम्हारे अंदर से कोई मैजिक पावर सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और तुम मुझे इतने स्ट्रॉन्ग लगते भी नहीं हो। इस पर रिव्यू कहता है कि हाँ मैं उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। दूसरी ओर इचिका काफ़ी इरिटेट हो रही होती है, क्योंकि आस्था जिस तरीके से रिव्या से बात कर रहा होता है जो कि एक शोगन है, तो उसे ये काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल लगता है। और वो आस्था से कहती है कि तुम एक आउटसाइडर हो और तुम रिव्या दोनों से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आस्था ये सुनने के बाद इचिका से माफ़ी मांगता है, और वो इचिका की से अंदाज़ा लगाता है कि ये काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी इरिटेट हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों आस्था को उसकी जो की है वो काफ़ी फेमिलियर लग रही है, और ऐसा लगना भी चाहिए, आखिर ये यामी की बहन जो है, तो यामी और इचिका की थोड़ी फेमिलियर तो होगी। रिव आगे कहता है कि जरूर तुम फॉरेन कंट्री में उठने के बाद शॉक्ड हो गए होगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें ये कंट्री थोड़ा घुमा दूं और ये टाउन दिखा दूं। और उसके बाद आस्था जो है रिव के साथ और इचिका के साथ टाउन घूमने निकलता है। आस्था को रिव कहता है कि तुम्हें लैंड ऑफ द साइन का ये टाउन कैसा लगा। तो आस्था इस टाउन को देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है और काफ़ी एक्साइटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्लोवर किंगडम में कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद हमें कमाल का ये वाला सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर दो बंदे जो हैं वो स्क्रोल्स के अंदर से फायर और वाटर बर्ड्स को निकालते हैं और कहते हैं कि फायर और वाटर बर्ड्स के बेहतरीन डांस को देखो। आस्था ये देखकर कहता है कि ये तो मैजिक है ना, लेकिन ये लोग ग्रीमर की जगह स्क्रोल का यूज़ क्यों कर रहे हैं। इस पर रिव्यू समझाता है कि तुम लोग क्लोवर किंगडम में जिसे मैजिक या मैजिक पावर कहते हो, हम यहाँ इसे सोर्सरी या सोर्सरी पावर कहते हैं। और फाइनली इससे हमें कन्फर्मेशन मिल जाती है कि लैंड ऑफ द सन में भी लोग मैजिक का यूज़ करते हैं, बस यहाँ इतना है कि मैजिक की जगह यहाँ इसे सोर्सरी कहा जाता है और यहाँ ग्रीमर्स नहीं होती, उसकी जगह पर स्क्रोल्स वगैरह होते हैं। तो शायद यहाँ पर भी 15 साल के होने के बाद लोगों को ग्रीमर्स की जगह स्क्रोल्स मिलते होंगे। और तभी आस्था एक बंदे को देखता है जो अपनी शॉप पर नेमत अतीफ बेच रहा होता है, जो भी नाम था इस चीज़ का, आलू जैसे होते हैं, जो कि आस्था के हेज विलेज की शान थी। तो आस्था देखकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी हेज विलेज की स्पेशलिटी यहाँ भी मिल रही है। और तभी आस्था एक लड़की को देखता है जो अपने छोटे भाई के साथ जा रही होती है, और उसे सिस्टर लिली की याद आती है कि कैसे सिस्टर लिली के साथ आस्था और यूनो दोनों ही ऐसे घुमा करते थे हेज विलेज में। और तभी रिव होता है वो उसी लेडी के पास और उस बच्चे के पास जाता है, उन्हें कहता है कि चलो मैं तुम्हें दूसरी जगह दिखाता हूँ, और उन्हें दूसरी जगह ले जाता है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है और एंट्री होती है यहाँ के विलन्स की। मतलब भाई कहीं भी चल जाओ विलन्स तुम्हें हर जगह ही मिलेंगे, बुरे लोगों की कहीं पर भी कमी नहीं है, ना क्लोवर किंगडम में ना ही इस लैंड ऑफ द सन में। और ये जो चार बंदे आते हैं वो यहाँ पर तबाही मचाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो तुम्हारे पास जो भी है, सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा खाना पीना जो है सब मुझे दे दो या हमें दे दो। वैसे धमाका वहीं होता है जहाँ पर वो पहले वो लड़की और वो बच्चा थे, लेकिन क्योंकि रिव उन्हें दूसरी जगह ले जाता है तो वो किसी तरह बच जाते हैं। और आस्था सोचता है कि शायद रिव ने उसे पहले ही भाप लिया होगा कि ऐसा होने वाला है, और इसलिए वो उन्हें दूसरी जगह ले गया। और तभी उनमें से एक बंदा जो होता है विलन्स की साइड वाला, वो रिव को देखता है और शायद उसे पहचान भी लेता होगा। रिव कहता है कि तुम लोग जानते होंगे लेकिन मेरे पास कोई सोर्सरी पावर नहीं है,
रियू का केस बिल्कुल आस्था की तरह है। जिस तरह आस्था अपनी कंट्री में बिना मैजिक के बॉर्न हुआ था, उसी तरह रियू यहाँ पर बिना सोर्सरी पावर के बॉर्न हुआ है। उसके पास कोई ग्रिमर नहीं है, ना ही मतलब कोई स्क्रॉल नहीं है, और ना ही उसके पास कोई सोर्सरी पावर है। ये बिल्कुल आस्था की तरह ही है। तो ये एक तरीके से आस्था के साथ पैरेलल हो सकता है कि कैसे जो रियू है वो अपने टाउन का मतलब अपने लैंड ऑफ द सन का विजार्ड किंग बन गया, मतलब शोगन बन गया। उसी तरह आस्था भी अपने विजार्ड किंग बन सकता है, चाहे उसके पास मैजिक हो या ना हो। और तभी इचिका वहाँ आती है और रियू इचिका से कहता है कि मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। और फिर हमें इचिका की फाइट देखने को मिलती है। उन विलन्स की साइड से जो मोटा आदमी होता है वो रियू की बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम्हें एक लड़की के पीछे छुपने की जरूरत पड़ रही है, तुम कितने पथेटिक हो। और वो जो बंदा होता है वो इचिका को छूने की कोशिश करता है, और तभी इचिका होती है वो हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है, मतलब जैसे उसके अंदर से कोई एनर्जी फ्लो कर रही हो वो पूरी हमें दिखाई देती है। तबादा ने यहाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे ड्रॉ किया, एकदम मज़ा आ गया भैया देख के। और इचिका यहाँ कहती है कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना कॉकरोच कमीना जो भी चाहे तुम बोल सकते हो यहाँ। और इचिका यहाँ उन चारों को चुटकी में एकदम मतलब कुछ ही सेकंड्स में धूल चटा देती है, एकदम हरा देती है उनको और उनकी बैंड बजा देती है। आस्था देखकर काफ़ी शौक होता है। बाय द वे यहाँ पर अगर तुम देखो तो तुम्हें इचिका की बॉडी से एक डार्क कलर का पूरा एनर्जी निकलती हुई दिखेगी, जो कि हमने यामी के पास्ट में भी देखी थी जब उसे डार्क ग्रीमर मिली थी उसकी, और जब यामी डार्क मैजिक यूज़ करता है तब भी दिखाई देती है। इचिका और उन बंदों की फाइट के बीच आस्था महसूस करता है कि अचानक से पता नहीं क्यों लेकिन इचिका की जो की थी वो आस्था को 10 गुना ज़्यादा महसूस हुई, यानी कि जैसे उसकी की अचानक से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई हो। यहाँ आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, इचिका की बात कर रहा हूँ, यानी कि इचिका की 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई हो ऐसा आस्था ने महसूस किया। इसके बाद जो सिटीजन होते हैं वहाँ के वो सब जो होते हैं इचिका की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये भाई 1 of the 7 reason में से एक है, तो ये एक्सपेक्टेड था, और यामी दोनों की जय हो वगैरह वगैरह। तो आस्था ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि भाई यामी दोनों उसे लोग यहाँ पर यामी दोनों क्यों कह रहे हैं। और आस्था ने डेफिनेटली यहाँ पर फिगर आउट कर लिया होगा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसीलिए वो इचिका के पास जाता है कुछ कहने के लिए। लेकिन तभी इचिका जो होती है वो हमारे आस्था का सर पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मेरे छूने की कोशिश मत करना, तुम एक आउटसाइडर हो और कुछ नहीं। रियू आगे कहता है कि इचिका यामी की छोटी बहन है, और अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो अच्छा होगा अगर तुम 7 reason से ट्रेनिंग लो। और फिर जो इचिका होती है वो कहती है कि मुझे तुम जैसे इंसानों से सबसे ज़्यादा नफरत है। और यहाँ हमें फाइनल कंफर्मेशन मिल जाता है कि इचिका यामी की बहन है, और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। तो अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यामी की बहन इचिका कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो 7 reason है वो कौन है, और उनमें से कौन कितना स्ट्रांग है, सबके पास क्या क्या सॉर्सरी हो सकती है, और ये यामी दोनों इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई यामी का नाम अगर यामी नहीं है तो फिर क्या है, सुके हीरो। खैर जो भी है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, जो कि अगले वीक तो नहीं आने वाला, नेक्स्ट वीक ब्लैक क्लोवर ब्रेक पर है। तो अब 2 हफ्ते के बाद ही हमें ब्लैक क्लोवर का न्यू चैप्टर मिलेगा, तो तब तक के लिए हमें काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।